दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने मेरी बाइक को पल्सर 150 का 150 से 180 का लुक दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें डिस्क ब्रेक भी इंस्टॉल किया हुआ है, रियर डिस्क ब्रेक। और फ्रंट का भी देख सकते हैं आप, पल्सर 180 का ही है, वो मोटे वाले शॉक कप हैं। और आप मेरी बाइक को देख सकते हैं, मेरी बाइक पल्सर 150 है। ओके, और ये चीज़ देख सकते हैं आप, इसमें किक भी इंस्टॉल्ड है। इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा, ओके, जिससे इसका ये लुक, जब हम अपना ये, क्योंकि ये पल्सर 180 में कन्वर्ट हो चुकी है, तो ये किक हवा हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको रिमूव ही कर दूँ। लेकिन जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इसका लुक बड़ा ऑड लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे अपनी वीडियो में दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस किक को अनइंस्टॉल करते हैं। ओके, तो दोस्तों, किक को अनइंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए होगा एक 12 नंबर का पैना, स्क्रू पैनल इसको बोलते हैं। ओके, देख सकते हैं आप, ये 12 नंबर है। ओके, तो चलिए अब हम इसको, इसका ये नट खोल लेंगे। ओके, यहाँ पे एक नट होता है, आप देख सकते हैं ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला। ओके, तो चलिए इसको खोल लेते हैं। ये हमने अपना किक अनइंस्टॉल कर लिया है। ओके दोस्तों, इसका वेट लगभग 700 ग्राम का होता है, तो इससे हमारी बाइक में लगभग 700 ग्राम का वेट कम हो गया है और स्पोर्टी लुक भी देखने को मिलता है। ओके, अब हम इसको रख देते हैं साइड में। ये मैं लगाने वाला हूँ दोस्तों अपने उस किक वाले पॉइंट पे। ओके, ये एक्चुअली दोस्तों आपने देखा होगा, ये जो अपना डिस्क ब्रेक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों एक्चुअली ये जो रबड़ है वो ये वाली रबड़ है दोस्तों, मैंने इसका अपने इस डिस्क ब्रेक का जब ये रबड़ चेंज किया था तो ये निकल आया था बाहर। ओके, तो अब इसका मैंने इसको रख लिया था, तो मैंने इसका यूज़ सोचा, वो मैंने ये सोचा कि मैं इसको इस पॉइंट पर लगा दूँ। अब ये जैसे देख सकते हो, इसमें मैंने किक हटा दिया तो कुछ ऑड सा लुक लग रहा है, तो इस ऑड लुक को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए मैंने सोचा मैं इसे इसमें लगा दूँ, ताकि इससे इसका लुक अच्छा हो जाए। तो चलिए लगा लेते हैं इसको। ये इस तरीके से लगाना है दोस्तों, ये देखिए, सीधे बस इसको पहना देना है। बहुत इजीली, आराम से, क्योंकि ये रबड़ बड़ी ही मुलायम होती है, तो आप इसको बिल्कुल आराम से इसको पहना सकते हैं। और आप देख सकते हैं अब इसका लुक कितना अच्छा हो गया है ना, ये देखिए, अब ये ऑड नहीं लगेगा, एक अच्छा सा लुक आपको मिल जाएगा और लगेगा नहीं कि यहाँ पर कोई किक भी इंस्टॉल्ड थी। ओके, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ गया दोस्तों। मतलब एक ऑड लुक से तो अच्छा ही है कि हम इसको कवर भी कर देंगे, इस पर अब पानी भी नहीं लगेगा और दूसरा चीज़, इसका लुक भी अच्छा हो जाएगा, है ना। और अब ये कभी शायद निकले भी ना, क्योंकि अब हमें यहाँ इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई जोर तो यहाँ पे हमें देना नहीं है, तो ये अपनी जगह पे इस पर रहेगा। दोस्तों किक अनइंस्टॉल करने के बाद में आप मेरी बाइक का लुक देख सकते हो। एक्चुअली यहाँ स्पेस कम है, तो मैं पूरी बाइक को कवर नहीं कर पा रहा हूँ। और वैसे भी अब जो स्पोर्ट बाइक आ रही हैं, उन सब में किसी में भी कंपनी किक प्रोवाइड नहीं कर रही है। ओके, तो आप देख सकते हो, ये देखिए, इसलिए मैंने अपनी बाइक में से किक रिमूव कर दिया है, किक अनइंस्टॉल कर दिया है, ताकि लुक अच्छा हो जाए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है। ओके, वैसे अगर हम खाली किक रिमूव कर देते तो लुक उतना अच्छा नहीं आता और ये ऑड सा लगता, अब थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो
तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर, कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम।